हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साचौर, हक मांगा तो एसडीएम ने किसान को मारी लात, अब सहानुभूति की बजाय 17 किसानों पर राजकार्य बाधा का मुकदमा हुआ दर्ज। भारतमाला परियोजनाओं को लेकर किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध के मामले में एसडीएम द्वारा किसानों को लात मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसडीएम की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। वहीं किसानों द्वारा स्क्रीन के दुर्व्यवहार को लेकर से हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की समस्याओं को लेकर मरहम लगाने की बजाय प्रशासन द्वारा 17 किसानों पर राजकार्य बाधा का प्रकरण दर्ज करवाया गया है। ऐसे में अब हक की लड़ाई लड़ने वाले किसानों पर पुलिस कानून का चाबुक भी चलाएगी। वहीं दूसरी ओर विपक्षी भाजपा इसे मुद्दा बनाने की फिराक में है, जिसको लेकर सांसद देवजी पटेल सहित भाजपा नेताओं ने किसानों के समर्थन में आंदोलन करने का ऐलान किया है। वहीं इससे पूर्व गुरुवार को हुए घटनाक्रम में किसान व प्रशासन आमने सामने हो गए, जिसको लेकर किसानों के साथ महिलाएं भी जमीन अवाप्ति के विरोध में उतर आए। क्षेत्र के प्रतापपुरा सरहद में किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भारतमाला परियोजना का विरोध किया, वहीं अपनी जमीन देने से इनकार किया। किसानों के विरोध की सूचना दे और प्रशासन के आला अधिकारी व पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और किसानों से समझाइश करने की कोशिश की। इस दौरान किसानों ने भारतमाला परियोजना के कार्य के लिए चल रही जेसीबी की बात कही, वहीं प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई। इस दौरान देखते देखते प्रशासन व पुलिस कर्मियों के बीच किसी बात की कहां सुनी को लेकर किसान और प्रशासन के बीच विवाद की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान मौका स्थल पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन में भी खलबली मच गई है। वीडियो में अधिकारी भूपेंद्र यादव किसान के लात मारते हुए दिखाई दे रही, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्रशासन मौका स्थल पर सामान्य रूप से कार्रवाई की बात कहते हुए किसानों से समझाइश का दावा कर रहा है, जबकि किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों और महिलाओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी में हुए घटनाक्रम को लेकर जहां विवाद को लेकर प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जागरूक टीवी की सांचौर से विंजाराम डूडी की रिपोर्ट।